हाय गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। मेरा नाम ऋचा चौहान है। मैं नोएडा की रहने वाली हूँ। जैसा कि मेरा सेकंड यूट्यूब ब्लॉग है, मैंने पहले भी एक छोटा सा ब्लॉग बनाया था जिसमें मेरा पूरा इंट्रोडक्शन था, और मैंने आप लोगों से बोला था मैं आपके लिए एक दूसरा यूट्यूब ब्लॉग लेके आऊँगी जो कि मेरे गार्डन और होम टूर का होगा। लेकिन उससे पहले मुझे आप लोगों से कुछ बातें करनी है। एक्चुअली अभी मैं ज़्यादा कुछ मेरे ज़्यादा सब्सक्राइबर, ज़्यादा फॉलोवर्स हैं, ज़्यादा मेरी वीडियोस अभी कुछ शेयर नहीं हुई है। लेकिन कुछ लोग मेरी वीडियो चैनल सब्सक्राइब करने के बाद अनसब्सक्राइब कर दे रहे हैं, पता नहीं क्यों, मुझे नहीं पता, उनको मैं पसंद नहीं आ रही हूँ या क्या। लेकिन प्लीज़ ऐसा ना करें, या तो आप सब्सक्राइब ना करें या फिर अनसब्सक्राइब ना करें, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा डिमोटिवेटेड कर रहा है। मुझे आप लोगों से कुछ नहीं चाहिए, बस आप लोग मुझे थोड़ा थोड़ा प्यार देते रहिए, मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहिए। मैं आप लोगों के लिए बहुत अच्छी अच्छी एंटरटेनिंग वीडियो लेके आऊँगी, जिससे और आप लोगों को खूब सारा हंसाने वाली हूँ मैं इन फ्यूचर। लेकिन आज जैसे कि मैंने आप लोगों से प्रॉमिस किया था, मैं आप लोगों के लिए आज अपना होम टूर एंड अपना गार्डन टूर अब लेके आने वाली हूँ। तो वही आज उसी की पूरी तैयारी के साथ मैं आई हूँ। आज संडे भी था, जो आज बहुत सारा टाइम मुझे मिल गया आप लोगों के लिए। सो चलिए चलते हैं हमारे गार्डन की ओर। गाइस, जैसे कि मैं अपने गार्डन की तरफ आपको ले जा रही हूँ, तो वो हमारा ग्राउंड फ्लोर पे है, सो हम चलते हैं गार्डन की तरफ। गाइस, जैसे कि हम आ गए हैं अपने गार्डन की तरफ, ये जो हमारा बर्तन रखा हुआ है ये हमारे डॉग का है, जो कि गली के सारे डॉग्स हैं वो इसमें खाना खा सके, पानी पी सके, तो उसके लिए हमने रखा हुआ है। और ये हमारे पास एक कुछ मनी प्लांट है, गोल्डन लीव्स का, और जैसे कि ज़्यादा पौधे नहीं हैं लेकिन बहुत अच्छे अच्छे हमने कुछ पौधे रखे हुए हैं। ये हार श्रृंगार का है, इसमें छोटे छोटे फूल्स आते हैं, फ्लावर्स आते हैं, उसमें बहुत अच्छी खुशबू आती है। ये शामी का पेड़ है, कुछ लोग वास्तु उसके लिए इसको लगाते हैं। और ये सदाबहार रोजेज एंड ये गुड़हल है, देखिए आप लोग नज़दीक से। एक्चुअली मुझे गार्डनिंग का बहुत ज़्यादा शौक है, गार्डनिंग का बहुत ज़्यादा शौक है, तो उसी के लिए मैंने इतने सारे प्लांट्स लगाए हुए हैं। और आप मेरे से कमेंट्स करके जानकारी भी ले सकते हैं, मैं आपको इनके बारे में कुछ बता भी सकती हूँ, कैसे अच्छे से ग्रो करें, कैसे इनमें खाद डालें और कैसे कैसे किसको ग्रो करें, तो वो सब मैं आपको बता सकती हूँ। ये देखिए गाइड्स, मैं आपको, ये हमारा घर है, ये फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर एंड टॉप। यहाँ पे कुछ रेंटिंग पर्सन भी रहते हैं, एंड ये मेन डोर है, यहाँ पे हम लोग रहते हैं। ये देखिए गाइड्स, मैं भी अपने गार्डन में खड़ी हूँ, और आपने जैसे कि देखा यहाँ पे कुछ पौधे हैं और कुछ हमारे रूम के बाहर भी रखे हुए हैं, और जिसमें वो भी मैं आपको अभी दिखाऊँगी थोड़ी देर में। देखिए ये हमारे थोड़ा घर के बाहर, यहाँ पे गवर्नमेंट अलाउ करती है कि बाहर ही सब बना सकते हैं, तो यहाँ पे थोड़ा थोड़ा जगह अलॉट की जाती है, क्योंकि नोएडा में इतना स्पेस नहीं होता कि घर भी बना लें और गार्डन्स भी बना लें। सो ये हमारे पौधे थे। अभी हमारे घर के पास ही थोड़ा एक पार्क है, तो मैं उसमें भी आपको लेकर के चलती हूँ। चलिए चलते हैं पार्क में। वो पार्क अभी पूरा अच्छे से सेटल नहीं है, उसमें पूरे पौधे नहीं लगे हुए हैं, तो हमने भी सोचा है उस पार्क में कुछ पौधे लगाएँ, तो हम अभी लगा रहे माने हैं कुछ सब्जियों के पौधे और कुछ फ्रूट्स के पौधे। तो मैं आपको लेके चलती हूँ पार्क की तरफ, तो चलिए चलते हैं पार्क में, जो कि हमारे घर के बिल्कुल जस्ट पास में है। ये देखिए गाइस, ये था वो पार्क जो मैं आपको दिखा रही थी। इसमें बहुत सारे पौधे हैं लेकिन सबका मुझे नाम नहीं पता है, और ये अच्छे से मेंटेन भी नहीं है, तो अंदर जाने का कोई फ़ायदा भी नहीं है, आप लोगों को मज़ा नहीं आएगा। ये देखिए, ये है आउट व्यू, एंड उसके पीछे हाईवे है। और ये देखिए, अभी मैं आपको ले जाने वाली हूँ अपनी होम टूर के लिए, जो कि हम एकदम सबसे टॉप फ्लोर पे रहते हैं। सो वहाँ पे मैं भी आपको दिखाऊंगी, मेरे घर में थोड़े कुछ पौधे रखे हुए हैं और भी ज़्यादा, और अपना बेडरूम दिखाऊंगी, अपना किचन एंड अपना लॉबी, मैं आपको आप लोगों के साथ अभी सब कुछ शेयर करने वाली हूँ। क्योंकि चलिए हम चलते हैं टॉप फ्लोर पर। हम आ गए हैं अभी टॉप फ्लोर पे। ये देखिए, यहाँ पे भी प्लांट्स हैं। ये हमारा मनी प्लांट है, ये हमारा मिरर, वॉश बेसिन, ये देखिए, यहाँ पर भी प्लांट्स रखे हुए हैं। यहाँ पर भी ये हैंगिंग कुछ प्लांट्स टंगे हुए हैं, जाड़े प्लांट, मनी प्लांट, एंड लुक एट दिस,
This one is the entrance to the rooms and this is my kitchen. ये हमारा किचन है, ये हमारे बर्तन रखे हुए हैं, चलिए रूम की तरफ चलते हैं। ये देखिए हमारे घर में एक पागल इंसान रहता है, ये लेटा हुआ है कि हमेशा टीवी देखने में बिजी रहता है। ये हमारे घर में बहुत सारे बटरफ्लाइज हैं। ये देखिए ये हमारी फोटो है और ये टूर हुआ पूरा आज का, जो कि मेरे छोटा सा गार्डन और छोटा सा घर का था। तो अभी के लिए हम लोग चलते हैं, बाय बाय करते हैं, लेकिन उससे पहले प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहिएगा और मुझे बहुत सारा प्यार देते रहिए, क्योंकि उसी की मुझे सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, उसके बिना मेरा कुछ नहीं होगा। तो प्लीज़ 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 गाय मेरे चैनल को और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर लाइक सब्सक्राइब कीजिए एंड मिलते रहिए नेक्स्ट वीडियो के लिए, वेट कीजिए। और प्लीज़ जो मेरी ये वीडियो देख रहा है, प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए उनको नेक्स्ट वीडियो किस चीज़ की चाहिए, मैं उसी से रिलेटेड वीडियो लेके आऊँगी। और अभी जल्दी मेरी एक डांस वीडियो आने वाली है, तो प्लीज़ उसको बहुत सारा प्यार दीजिए, वो सब देखते रहिए। ओके, बाय बाय, थैंक यू, गुड बाय।